हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है। 90 सीट्स के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 20,000 से ज्यादा केंद्रों पर मतदान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 225 कंपनीज की तैनाती। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 56,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। वाशिम में जगदम्बा माता मंदिर में करेंगे दर्शन। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सावरकर मानहानि केस में बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुसीबत। पुणे के स्थानीय कोर्ट ने जारी किया समन। 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने शरद पवार से किया है संपर्क। इम्तियाज जलील ने यहां पर कहा कि 28 सीट की मांग रखी गई। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फंसा पेच। कांग्रेस ने 2 सीट लेने से किया इनकार। कांग्रेस कर रही है 5 सीट की मांग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। LOC के पास संदिग्ध गतिविधि। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़। 36 नक्सलियों को मार गिराया। 14 के शव बरामद। मुठभेड़ जारी। CM विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर तक चलने वाला SCO का शिखर समिट। समिट में भारत की ओर से शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। UPSTF को अमेठी हत्याकांड में मिली बड़ी कामयाबी। वारदात के 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार। पूछताछ में कुबूला गुना। आज 11 बजे होगा मृतकों का अंतिम संस्कार। जोधपुर में थाने में सुसाइड के मामले में तूल पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर धरना दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुणे गैंगरेप केस में पुलिस ने जारी किए 2 संदिग्धों के स्केच। कई हिस्ट्री शीटरों से पूछताछ जारी। महाराष्ट्र पुलिस और क्राइम ब्रांच की 10 टीमों का हुआ गठन। राजस्थान के जयपुर में शोरूम में बाइक खरीदते हुए युवकों का हंगामा देखा गया। कर्मचारियों से मारपीट कर तोड़फोड़। 3 जख्मी। मामला दर्ज। जांच जारी। थाईलैंड में तेज बरसात से हालात बेकाबू। सड़कों पर भारी जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। घर दुकानों में घुसा है पानी। ताइवान में तूफान कैथोन से हालात बद से बदतर हुए। मूसलाधार बारिश से जगह जगह बहता दिखा सैलाब। 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ताइवान में तूफान की वजह से लोगों की बढ़ गई परेशानी। सड़कों पर नजर आया पानी का कब्जा। लोगों का सामान पानी में बहा। कुदरत के आगे लोग हुए मजबूर। पुणे में पूर्व क्रिकेटर सलिल अंगोला की मां की संदिग्ध मौत। फ्लैट में मिला शव। बॉडी पर चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। Z News.